हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आर्टिका पे बनाने जा रहा हूँ। मारुति सुजुकी डीजल आर्टिका है और इसमें सेकंड गियर प्रॉब्लम कर रहा है। सेकंड फर्स्ट भी प्रॉब्लम कर रहा है, बट ज्यादा सेकंड प्रॉब्लम है। जैसे हम सेकंड गियर में, सेकंड के बाद थर्ड में चले गए, थर्ड के बाद जब वापस हम सेकंड आते हैं तो गियर नहीं लगता है। तो इसमें सिंक्रोनाइजर रिंग दिक्कत करती है सब गाड़ियों में, तभी ये इशू आता है। तो हम इसका सिंक्रोनाइजर रिंग चेंज करेंगे। तो सिंक्रोनाइजर रिंग चेंज करने का क्या प्रोसेस है आज के वीडियो में बताऊंगा ही, बट हमें इसमें नई टेक्निक हमें से समझाना है कि गियर कैसे पहचानेंगे। पहला गियर कौन सा है, दूसरा गियर कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। मान लीजिए हमने गियर बॉक्स खोल दिया, गियर बॉक्स खोलने के बाद हमें गियर कैसे पहचानेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर कौन सा है। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो ये समझिए कि सिर्फ आर्टिगा ही नहीं, पेट्रोल डीजल यानी कोई भी गियर बॉक्स होगा, कोई भी गियर हो, कोई भी गाड़ी हो, आप जो है इसको अगर ये टेक्निक यूज करेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप पहचान जाएंगे कि ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है, ये चौथा गियर है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप इसमें समझ जाएंगे। तो आइए गाड़ी के पास चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी के पास आ गए हैं और इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। इसमें दिक्कत ये है, ये पहला गियर तो लग गया, अब इसको हम चलाएंगे, चलाने के बाद सेकंड में आएंगे, सेकंड में आने के बाद अभी हम थर्ड में जाते हैं। सेकंड में तो लग गया लेकिन अभी इसमें से आएंगे तो इसमें नहीं आ रहा। ये चीज देखिए, ये चीज, ये दिक्कत है। तो इसका सिंक्रोनाइजर रिंग से है, तो अभी गियरबॉक्स इसको बाहर उतारते हैं। फ्रेंड्स, गियरबॉक्स जो है बाहर आ गया, तो आप देख सकते हैं ये दो बोल्ट इधर से खोलेंगे, उसके बाद ये जो गियरबॉक्स का चेंबर है इसको हम निकालेंगे, उसके बाद ये 12 नंबर का जो बोल्ट है ये है। और देख सकते हैं, और ये आप कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये गोल्डन गोल्डन कलर का दिख रहा होगा आपको, ये गियर ऑयल, ये देखें, ये सब सिंक्रोनाइजर रिंग कटा हुआ है। जितने भी ये गोल्डन कलर के दिख रहा है, क्योंकि जानते हैं ये देखिए, ये बुरादा दिख रहा होगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने का। तो ये सिंक्रोनाइजर रिंग कट करके इसमें आया हुआ है। और इसके बाद हम चेंजर निकालेंगे, और ये चेंजर है, ये हमारा गियर लगता है, ये देखें, और इसे हमें न्यूट्रल में खोलना है। 4 बोल्ट होता है, और 4 बोल्ट खोलने के बाद हमें एक बोल्ट ये भी खोलना होता है। ये देखिए, ये जो 14 नंबर का बोल्ट है, तो ये चेंजर का है, और ये हम न्यूट्रल में खोलेंगे जब भी खोलेंगे। तो अभी देखिए, एक इधर गियर होता है, एक ये होता है, उसके बाद एक ये होता है, ये होता है। तो जब हमारा न्यूट्रल रहेगा तो ये अप डाउन करेगा जरूर, अगर गियर में रहेगा तो ये देखिए बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल ही में खोलना है, गियर में भी आप खोल सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा सा बैठाने में या जब ये ओपन हो जाता है तो थोड़ी न्यूट्रल करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और कुछ नहीं दिक्कत है। तो हम न्यूट्रल में इसको खोलेंगे ये 4 बोल्ट। अब देखें, ये 4 बोल्ट मैंने खोल दिया, और इस तरफ जो है ये बोल्ट देखें, ये चेंजर है, तो इसको हम साइड में अभी फिलहाल रखते हैं। इसके बाद ये देखें, ये लॉक है, इसको खोलेंगे, उसके बाद ये बोल्ट खोलेंगे। इस बोल्ट को कैसे खोलना है मैं अभी बता रहा हूँ। पेचकस है, और हमें इस गियर में लगाना है इस पेचकस को, लेकिन हम कपड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि धातु वगैरह पे फर्क न पड़े। और तो यही तरीका होता है इसका खोलने का, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल्ट में लॉक होता है तो ये तो टाइट भी चलता है। ये खुल गया बहुत आसानी से। इसके बाद हम ये 10 नंबर का बोल्ट खोलेंगे, और ये देखिए, ये जो बिंदी है ये ऊपर साइड रहेगा, आप देख सकते हैं, और ये एरो बना हुआ है, ये ऊपर रहेगा। तो हम इसको पूरा ऊपर कर लेंगे, निकाल लेंगे ऐसे, देखें, ठीक है। उसके बाद हम ये गियर पूरा निकालेंगे ऐसे, ये देखिए, ये गियर निकल गया। इसके बाद हम इसको जो है ये भी निकल जाएगा आराम से ही, देखिए। इसके बाद हम ये स्प्लेट को खोलेंगे, और उसके बाद जो है हम ये 12 नंबर वाला बोल्ट खोलेंगे। और इसके बाद हमें इसमें देखिए ये लॉक होता है, ये भी निकालना होगा। और इसमें काउंटर शॉप में जो है एक सिम होता है, स्टैंडर्ड साइज है ये, तो हमें इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यही स्टैंडर्ड साइज लगा करके ये हम लगा देंगे।
और ये जो 12 नंबर का बोल्ट देख रहे हैं, ये बैक गियर का एक शॉफ्ट लगता है, मैं उसमें ओपन जब हो जाएगा गियरबॉक्स तो मैं बताऊंगा, इसको खोलना होता है। और जो फिट करते समय भी हम इसका सेंटर बताएंगे कैसे रहेगा, ये कैसे इस बोल्ट को फंसाएंगे हम और कहाँ पे ये टाइट होता है बोल्ट। देख सकते हैं इसमें ये पहला दूसरा गियर होता है, तो ये काउंटर शाफ्ट है, ये वाले हमें खोलना है इसका, और इस वाले में हमें जरूरत नहीं है। और ये जो बैक गियर का आप दिख रहे थे, जो हम बोल्ट ये दिखा रहे थे, इसमें बोल्ट टाइट होता है बैक गियर वाला। अब देखें जो ये मैंने 12 नंबर खोला था, और उसके बाद जब फिट करेंगे तो हम बताएंगे इसका सेंटर कैसे रहेगा। ये बैक गियर का होता है और ये दोनों एक साथ हमें निकालना होता है, तो मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूँ। पहले इसको जो है, ये जो दो बोल्ट है इसको हम खोल लेंगे, खोल करके निकालते हैं, उसके बाद फिर दोनों इसको हम साथ में निकालेंगे। ये देख रहे हैं, ये हमें दोनों सिलेक्टर एक ही में है, ये इसको हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अब फ्रेंड्स, हम गियर के बारे में बता रहे जा रहा हूँ कि कौन सा गियर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कैसे हम समझेंगे सिंपल तरीके से बिल्कुल। तो आप देखिए, जो बड़ा साइज में गियर होगा और जिसमें सिंक्रोनाइजर रिंग लगे होंगे वही गियर होता है। जैसे अब ये गियर से मतलब नहीं है, ये हमें पहला दूसरा कोई गियर लगेगा इससे नहीं मतलब है, जिसमें सिंक्रोनाइजर रिंग लगा होता है वो गियर होता है। तो हमें कैसे समझना है कि पहला कौन सा है, कोई भी गाड़ी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या कोई भी दुनिया की गाड़ी हो, जो सबसे बड़ा गियर होगा वो पहला होगा। अब देखिए, ये सबसे बड़ा गियर है, ये देखिए सबसे बड़ा गियर है, तो ये पहला होगा। इससे जो छोटा होगा ये देखिए दूसरा होगा, इससे जो छोटा है ये तीसरा है, इससे छोटा है चौथा है, इससे छोटा है आप देखिए ये पांचवा है। तो कोई भी गियर जितना भी छोटा में जाएगा उसका नंबर बढ़ता जाएगा, और जितना बड़ा होगा उसका कम होगा। यानी सबसे बड़ा है तो पहला है, उससे छोटा है दूसरा है, उससे छोटा है तीसरा है, उससे छोटा है चौथा है, उससे छोटा है पांचवा, उससे छोटा है छठा है। और बैक गियर का तो हमेशा उल्टा रहता है, उसमें एक ही गियर होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ये बैक गियर है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि गियर का मतलब कैसा होता है, कैसे गियर हम पहचानेंगे। और हमें इस काउंटर का जो है, ये काउंटर शाफ्ट है और ये मेन शाफ्ट है, तो ये हमें काउंटर शाफ्ट का ये पहला गियर और दूसरा गियर, इसमें दूसरा गियर नहीं लग रहा था लेकिन हम पहला दूसरा दोनों का सिंक्रोनाइजर रिंग चेंज करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको, ये प्रेस से भी निकलता है लेकिन हम ऐसे ही नॉर्मली निकालते हैं, कोशिश कर रहे हैं निकालने का। ये बैरिंग ऊपर से आना, और ये गियर देख रहे हैं ये अंदर साइड रहेगा, फिटिंग में भी मैं बताऊंगा, खोलते समय भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद ये एक देखिए, इसमें लॉक दिया हुआ, ये लॉक निकालने के बाद फिर ये निकलेगा और इसका सिंक्रोनाइजर चेंज करेंगे, दोनों के चेंज करेंगे। अब देखते हैं सिंक्रोनाइजर में क्या खराब है। ये सिंक्रोनाइजर रिंग MGP में देखिए, और इसका ये MRP है, और ये पुराना वाला है, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए कितना कटा हुआ है। अभी नए वाले से हम कंप्लीट करते हैं, ये नया है, आप देखिए ये कटिंग देखिए, और इसका देखिए, ये कट जाता है तभी जो है गियर नहीं लगता है, या फिर गियर लगाने में दिक्कत होती है। अब देखिए, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, एक नंबर और दो नंबर दोनों सिंक्रोनाइजर, मैंने दोनों मंगाया हुआ है, ये भी मंगाया है, तो उसका भी इसका दोनों का चेंज करते हैं, कर रहा हूँ। देखो ये भी MGP में लिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो दांते देख रहे हैं आप, इसमें जो है थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा है, देखें तो ये तीनों जो है ये लॉक है, इस पे आकर के बैठेगा,
ये देखें, एक नंबर मैंने चेंज कर दिया, ये दूसरा नंबर, इसको भी हम लगा दे रहे हैं। ये बैठ गया, इसके बाद ऊपर से गियर लगेगा। तो सबसे पहले हम फिट क्या करेंगे इसमें, अब क्राउन करेंगे, और क्राउन जो है थोड़ा सा टेढ़ा भी करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। ये क्राउन हो गया, अब देखें ये काउंटर गया मेन साथ, और एक साथ में इसको बैठालना है, इसको जो है ये थोड़ा सा हमें इसको ऐसे करके देखें ये बैठ गया, और ये सिलेक्टर ऐसे फिट हो गया। उसके बाद ये वाले इसमें जाएगा, और ये जो देख रहे हैं आप ये बैक गियर में जाएगा अंदर से, ये ध्यान देना होता है, ये बैक गियर में लगना चाहिए, नहीं तो ये फिट होने के बाद अगर ध्यान नहीं दिया तो बैक गियर नहीं लगेगा, कोई भी गेट डालेंगे तो बैक में ही जाएगा। तो इसको बहुत केयरफुल तरीके से चेक करना होता है, और उसके बाद ये दो बोल्ट हम फंसा देंगे इसमें। दो बोल्ट फंसाने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कि उसमें बैठा है कि नहीं बैठा है गियर में ये सिलेक्टर। आप देख सकते हैं ये हमारा बैठ गया है, तो ये बहुत आराम से इसको बैठाना होता है। उसके बाद सर मैं इसका सेंटर भी बता रहा हूँ, बॉन्ड लगा लिया एना बॉन्ड, और ये भी मैंने MGP में ही यूज़ किया है। इससे ये क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि इसकी गियरबॉक्स खुला है कभी। ओरिजिनल पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ओरिजिनलिटी का, इसलिए हम बॉन्ड वगैरह सभी ओरिजिनल डालते हैं। इसके बाद हम ये फिट करेंगे, इसके बाद सारे बोल्ट हम टाइट कर लेंगे, और इसका जो सेंटर था ये देखें। अब इसमें कोशिश करते हैं, देखिए ये जो 12 नंबर का बोल्ट है ये देखें, ये इसमें बिल्कुल सेंटर पे रखना होता है। उसके बाद हम ये बोल्ट टाइट कर देंगे इसमें, ये बैक गियर का होता है। ये लॉक लग गया, उसके बाद हम ये सीम देंगे जो वाशर इसके होता है। उसके बाद ये देखिए ये कट बना हुआ है, और इस रॉड में है सिलेक्टर रॉड में, तो ये जा करके इसमें फंसेगा ऐसे ये, और इसमें जो है 12 नंबर छोटे छोटे बोल्ट टाइट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक लॉक लगेगा, इसके बाद एक छोटा सा गियर यहाँ पर लगेगा ये वाला। फ्रेंड्स गियरबॉक्स कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं, और हम इसका अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और ये गियर फर्स्ट गियर मैंने लगाया, और ये सेकंड लग गया आराम से, ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही थी सेकंड गियर में ही, और फर्स्ट गियर थोड़ा बहुत था, लेकिन फर्स्ट सेकंड दोनों ही चेंज किया है सिंक्रोनाइजरिंग। और सिंक्रोनाइजरिंग जब भी दिक्कत करता है, तो जैसे हमने तीसरे गियर में है या चौथे गियर में है, अगर इसको हम डाउन करेंगे, डाउन में जल्दी नहीं लगता है,
जैसे ये है, अब ये लग गया, अब उसमें सिंक्रोनाइजर जब जाता है तो ये डाउन करेंगे तो गियर नहीं लगेगा, तो फिर हमें ये थर्ड में ही रखना पड़ता है, या तो बहुत ज्यादा रोक करके तब गाड़ी चेंज करेंगे तो चेंज होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो जो मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।